तो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओप्पो की तरफ से आने वाला ओप्पो K10, जो कि आपको 5G की कनेक्टिविटी के साथ देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी ओप्पो के डिवाइस में पबजी BGMI का एक गेमिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट पबजी BGMI में क्या ग्राफिक सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। इसके साथ ही दोस्तों, हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के ऊपर भी नज़र डालेंगे और देखेंगे कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है, हमें इस डिवाइस को इस प्राइस रेंज के साथ गेमिंग के लिए कंसीडर करना चाहिए या नहीं। अगर हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में आपको मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक डायमेंडसिटी 810 का 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 6 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसके साथ ही दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम इस डिवाइस की बैटरी के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में आपको 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके साथ आपको 33 वोल्ट की सुपर वूक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, साथ ही अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को जात से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। उसके साथ ही दोस्तों, इस डिवाइस के रिकॉर्डिंग आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट पबजी BGMI में ग्राफिक सेटिंग देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में इस परफॉर्मेंस के साथ ग्राफिक में क्या सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहां जाएंगे सीधा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो दोस्तों, यहां पर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इस डिवाइस में हमें स्मूथ में अल्ट्रा यानी कि 40fps का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। हमें इसमें फ़िलहाल के लिए कोई भी स्मूथ में एक्सट्रीम यानी कि 60fps ऑप्शन देखने के लिए नहीं मिलती। आई होप कि आगे चलकर हमें इस डिवाइस में सॉफ्टवेयर अपडेट के साथ स्मूथ में एक्सट्रीम यानी कि 60fps ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। तो फिलहाल के लिए हमें इस डिवाइस में केवल स्मूथ में 40fps गेमिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में स्मूथ प्लस अल्ट्रा में एक कलरफुल में मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप जैसे मेजर इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं। Okay. Excellent work.
ऑसम। नॉट अ प्रॉब्लम। Get down. Impressive. Enemy down! Enemies ahead! Awesome. Marked a location. Please recall me.